नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही चर्चित बिग बैश लीग लगातार चर्चा में बनी हुई है। खिलाड़ियों के जबरदस्त प्रदर्शन के अलावा यहां रोज नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं। ऐसा ही एक मामला रविवार को लीग के नॉकआउट स्टेज में भी देखने को मिला। कैनबरा के मनुका ओवल में सिडनी थंडर्स और ब्रिस्बेन हीट के बीच खेले गए इस मुकाबले के दौरान उस्मान ख्वाजा की एक हरकत ने खूब सुर्खियां बटोरी। दरअसल मैच के दौरान सिडनी के बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने 8वें ओवर की समाप्ति के बाद बीच मैदान में ही पैंट, जूते, पैड उतारने शुरू कर दिए। इसके बाद उन्होंने अपने कमरबंद को भी बदल दिया। ये सब कुछ मैच के दौरान मैदान के बीच में होता देख दर्शक और कमेंटेटर भी हैरान रह गए और हंसने लगे। हालांकि कुछ समय तक मैच रुके रहने के बाद फिर से मैच शुरू हुआ और उसी ओवर के आखिरी गेंद पर मानस लाबुशेन ने उन्हें अपना शिकार बनाया और पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। आउट होने से पहले ख्वाजा ने इस मैच में 30 गेंदों पर 28 रन बनाए। वैसे मैच में सिर्फ ख्वाजा ही नहीं बल्कि मानस लाबुशेन भी दूसरी पारी में मैदान के बीच में अपना पैंट उतारते नजर आए थे। उन्होंने 5वें ओवर की समाप्ति के बाद अपना टी शर्ट और पैंट सही किया। दरअसल उस्मान ख्वाजा ने लोअर एब्डोमिन गार्ड बदल के लिए मैच को रुकवाया था। उन्होंने मैदान पर ही अपने ट्राउजर, शूज और पैड्स उतार दिए और लोअर एब्डोमेन गार्ड बदला। सेवन क्रिकेट ने इस वाक्य का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और उसका कैप्शन दिया है, क्या तुमने पहले कभी ऐसा कुछ देखा है? उस्मान ख्वाजा मैदान पर ही सब कुछ बदल रहे हैं। मैच में ब्रिस्बेन हीट ने सिडनी थंडर्स को 9 विकेट से हराया। ब्रिस्बेन हीट को 159 रनों का लक्ष्य का पीछा करना था। हैजलेट और जिमी पेरिसन के बीच नाबाद 92 रनों की साझेदारी हुई। हैजलेट ने 49 गेंदों पर 74 रन, पेरिसन ने 24 गेंदों पर 43 रनों की पारी खेली। गुरुवार को हीट का मुकाबला पर्थ स्कॉचर्स से होगा। दोनों टीमों में से जो भी टीम जीतेगी वो डिफेंडिंग चैंपियन सिडनी थंडर्स से फाइनल में भिड़ेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।